हेलो एवरीवन, मैं वसीम। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ई श्रम कार्ड की रजिस्ट्रेशन 2022 में कैसे कर सकते हो, यानी आप अपना ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाओगे 2022 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, एक नंबर के कमीने हो। चलो कोई नहीं, पहले वीडियो तो देखो। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर पे सर्च कर देना है ईश्रम कार्ड। ईश्रम कार्ड सर्च करने के बाद आपके सामने पहला जो ईश्रम होम पोर्टल आएगा ये ओपन कर देना। आपके सामने मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो साइट पे दिख रहा है रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आप खुद से रजिस्टर कर सकते हो ई श्रम, या कार्ड की जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद कर सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप नजदीक ही अपने सीएससी सेंटर से अप्लाई कर सकते हो ईश्रम कार्ड के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रजिस्टर ऑन ईश्रम। रजिस्टर ऑन ईश्रम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना होगा अपना आधार लिंकड मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना होगा कैप्चा। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शंस पे नो नो टिक करना होगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर करना होगा जो भी आपको मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा एंटर करना होगा। उसके बाद आपको आई एग्री पे टिक करना होगा। आई एग्री पे टिक करने के बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक और ओटीपी सेंड किया जाएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू टू अदर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पे फिल करनी होगी अपनी ईमेल आईडी। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो या डाइवर्सिड हो या सेपरेटेड हो, जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर करेंगे। उसके बाद अपनी सोशल कास्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो भी होगा आपका। तो उसके बाद यहाँ से अगर आप डिफरेंटली एबलिड हो तो आप यस या नो पे क्लिक कर सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपनी नॉमिनीज डिटेल्स एंटर करेंगे जिसको भी आप नॉमिनीज रखना चाहते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे नॉमिनीज की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको नॉमिनीज का जो जेंडर है वो सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा अपना रिलेशनशिप, जो आप नॉमिनीज रखना चाहते हो उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे।
सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी होगी अपनी स्टेट, जो भी आपको होगी। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा अपना डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे अपना करंट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। आप अर्बन हो या रूरल हो, जो भी हो तो आप वो सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिल करना होगा अपना हाउस नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करनी होगी अपनी लोकलिटी। उसके बाद यहाँ से फिर से सेलेक्ट करनी होगी आपको अपनी स्टेट, जो भी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना होगा अपना डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिल करना होगा अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील, जो भी होगा आपका वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना विलेज सेलेक्ट करेंगे। विलेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना पिन एंटर करेंगे। पिन एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे करंट लोकेशन पे कितने टाइम से स्टे कर रहे हो। 15 साल से स्टे कर रहे हो, 20 साल से स्टे कर रहे हो, 25 साल से स्टे कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना होगा अपना परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर, लोकलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंटर करनी होगी। यहाँ से आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करनी होगी। आप सेकेंडरी लेवल पास हो, मिडिल लेवल पास हो, या प्राइमरी लेवल पास हो, या बिलो प्राइमरी लेवल पास हो, जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। या आप ग्रेजुएट हो, जो भी हो आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ से एजुकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आप अपनी मंथली इनकम सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी मंथली इनकम होगी इनमें से वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं भी करते हो तो आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के साथ आपको अपनी ऑक्यूपेशन एंड स्किल सेलेक्ट करनी होगी। यानी आपकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है तो आपको वो सिलेक्ट करनी होगी, जो भी होगा। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस, जो वर्किंग एक्सपीरियंस प्राइमरी ऑक्यूपेशन का होगा, वो सिलेक्ट करना होगा कि कितने साल से आप इस काम का एक्सपीरियंस है आपके पास। यानी आपका लेबर एंड एग्रीकल्चर, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। 1 साल से आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है या 2 साल का है, जो भी होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप अपनी यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंटर कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अगर आप अपनी सब स्किल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा स्किल जो आपकी अपग्रेड हुई होगी। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करनी होगी। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको फिर से एंटर करना होगा अपना बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट एंटर करना होगा ब्रांच नेम। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डिटेल सारी चेक कर देनी है, जो भी आपकी डिटेल्स होगी। उसके बाद
यहाँ पे अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी हो डिटेल में तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल आपने अच्छे से की है और ठीक है, अगर आपको कोई गलती हुई है तो यहाँ से आप अपने जो डिटेल्स एंटर की है वो एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना होगा, आई अंडरटेक दैट आई एम। इस पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो ईश्रम कार्ड है वो सक्सेसफुली बन जाएगा और आपकी जो ईश्रम कार्ड की रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप अपना यहाँ पे आपको अपना जो ईश्रम कार्ड है वो शो हो जाएगा। तो आप अपना ईश्रम कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइट पे दिख रहा है डाउनलोड यूएएन कार्ड, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो ईश्रम कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसे लगी दोस्तों वीडियो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।